तो स्वागत है आप सभी का फन टॉक के इस एपिसोड में। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। मेरा सबसे डरावना जो सब्जेक्ट हुआ करता था मैथमेटिक्स, ये उनके टीचर हैं और इन्होंने मैथ्स पढ़ा के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे गेन किए और लाखों करोड़ों बच्चों की मैथ्स को बहुत आसान किया है। तो स्वागत है गगन सर का हमारे इस फन टॉक पे। सर धन्यवाद सर। पहली बात तो सर, जिस आदमी की फिजिक्स इतनी अच्छी है और वो इतने अच्छे से एक्सपेरिमेंट करता है, उसकी मैथ्स खराब हो ही नहीं सकती। तो सर ने जो पहली बात बोली है वो गलत बोली है, सर की मैथ्स बहुत अच्छी है। सर मैथ्स से मुझे एक्चुअली डर लगता था बहुत, और मुझे कहीं ना कहीं ये फोबिया था कि मैथ्स शायद लाइफ में कहीं काम नहीं आएगी। बट बाद में जब मैंने एक्चुअली फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि फिजिक्स का सबसे बड़ा दोस्त ही मैथ्स है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथ्स का एप्लीकेशन फिजिक्स है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। मैथ्स जो फिजिक्स को आसान करने के लिए, नेचर को समझाने के लिए ही बना है। एक्चुअली मेरे हिसाब से सबसे नंबर वन जो सब्जेक्ट है पूरी दुनिया में वो है हिंदी काव्य कविताएं, बहुत बढ़िया। और सेकंड नंबर पे मैथ्स सर, थर्ड पे आपकी फिजिक्स आती है। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ। ठीक है सर, तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम लोग मतलब जानना चाहेंगे कि आपकी क्या लाइफ की स्टोरी रही, मतलब कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसको अगर आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाएँ। सर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि मैं बुलंदशहर जो ज़िला है दिल्ली के पास, इसके छोटे से गांव से हूँ, भर्रा से। तो जैसे बचपन में थे तो वहाँ स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे पिताजी, वहाँ छोटा टाउन है मेरे गाँव के पास ही शाना, वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए। तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा, 11th 12th भी मैंने सरकारी स्कूल से करी। तो पढ़ाई में मैं अच्छा था, वैसे मैं 6 साल तक स्कूल नहीं गया था। अच्छा। कि 6 साल तक मुझे ये भी नहीं पता था कि पढ़ने नाम की कुछ चीज़ होती है, पढ़ाई नाम की। ABCD कुछ भी नहीं आता। फिर भी मेरा एडमिशन डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में मम्मी ने करवा दिया, सेकेंड क्लास में डायरेक्ट एडमिशन, ये LKG नर्सरी ये कुछ नहीं किया, डायरेक्ट सेकंड क्लास में एडमिशन। उसके बाद ट्यूशन वगैरह लगाए, तो मैं पढ़ाई में अच्छा था और पढ़ता बहुत फास्ट था, हिंदी जो मैं बहुत तेज पढ़ता था उस टाइम पे, तो टीचर भी देख के घबरा जाते थे कि इतनी तेज हिंदी पढ़ते हैं। और मैथ्स भी शुरू से अच्छा था, 12th पास कर ली तो 12th में भी अच्छी परसेंटेज आई थी, कॉलेज भी टॉप किया था। तो वहीं पर 12th में सोच लिया था कि ना यहाँ से, जिले से बाहर निकलना है, गांव से, चाहे एजुकेशन में कुछ भी करें पर जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर की दुनिया का एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो बीटेक करनी थी, बीटेक ही उस टाइम पे 2012 के टाइम पे बीटेक का बहुत क्रेज था, बहुत क्रेज था। अभी तो थोड़ा डाउन हुआ है लेकिन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्रेज था, हर आदमी बीटेक ही कर रहा था। तो हमने भी उसी बेड़चाल में बीटेक करी और उसके बाद कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में मैंने पढ़ाई उतनी की है नाम मात्र के लिए कि भाई जितना अपन लोग अखबार मंगाते हैं ना ऑफिस में और उसको 2 मिनट देखते हैं, उतनी पढ़ाई मैंने कॉलेज में की है। लेकिन फोर्थ ईयर जो था वो मेरे लिए चेंजिंग मोमेंट था, फोर्थ ईयर, क्योंकि प्लेसमेंट जब होना शुरू हुए तो पढ़ाई तो इतनी कोई खास की नहीं थी, तो उसमें पहले ही सोच लिया कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। तो स्टार्टिंग में मेरी इच्छा थी कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, कि मैं इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज में जाऊं। लेकिन जब कोचिंग ज्वाइन की तो पता चल गया यार मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूं। मेरा जो असली स्किल है वो तो टीचिंग में है। और उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ कि ऑफलाइन में टीचर आते थे तो टीचर पढ़ाते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये जो काम करते हो, आपने कैसे शुरू किया, आप कितने पैसे कमा लेते हो? तो उन्होंने बोला मैं 4,000 रुपये घंटे ले लेता हूँ। मैंने कहा 4,000 रुपये घंटे? और इतना तो जो मेरे साथ के लड़के जो अभी प्राइवेट जॉब सेक्टर में थे उनको तो इतना पैकेज नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने, चाहे मैंने कॉलेज में पढ़ाई किया ना की हो, लेकिन मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी। और मेरे बीटेक में 2-3 सेमेस्टर में मैथ्स होती है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, उसमें भी मेरा तीनों सेक्शन में 98, 97 और एक बार 100 स्कोर आया था। और मैंने अपने साथ के सारे लड़कों को मैथ्स पढ़ा के पास करवाया है, जिनकी बैक आई थी उनको भी पास कराया है। तो जब मुझे वहाँ पता चला कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ, तो फिर मैंने बीटेक को साइड किया, गवर्नमेंट जॉब को साइड किया और केवल अपना पढ़ाने पे ध्यान दिया। लेकिन ऑनलाइन तब तक नहीं था, 2017 की मैं बातें कर रहा हूँ, तब तक यूट्यूब पे जो आज की एजुकेशन वीडियो ये नहीं थी, ना के बराबर थी, और थी भी तो बहुत ही रेंडम वीडियोस थी, मतलब चैप्टर वाइज तो आपको कुछ मिलेगा नहीं सीक्वेंस में। थी नहीं सर। तो फिर 1 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, अलग अलग मैं 5-6 स्टेट में भटका। फिर उसके बाद जब जियो आया तो मैं कहूँगा कि मेरे टैलेंट से कहीं ज़्यादा हाथ जियो का है, अंबानी जी का है, क्योंकि उन्होंने हम जो है साथ दिया
और जब आम आदमी के हाथ में इंटरनेट पहुंचा तो उसका बहुत फायदा हुआ है रियल एजुकेशन सिस्टम में। आज सब लोग कह देते हैं कि मैं अपनी मेहनत के दम पे यहाँ पे पढ़ाऊँ, मैंने इतनी मेहनत की रात रात भर पढ़ा है। तो लेकिन मेरे हिसाब से कि जो आदमी यहाँ पे पहुंचा है उसमें जियो और अंबानी जी का बहुत बड़ा हाथ है। हम जैसे लोगों के में तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जब डिजिटल इंडिया बनना शुरू हुआ था तो मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था कि यार आने वाला जो फ्यूचर है वो ऑनलाइन का ही है। तो हमने पहले YouTube पे पढ़ाना शुरू किया। एक साल में कानपुर में यहाँ पे शिफ्ट हुआ, एक साल मैंने YouTube पे कानपुर में फ्री पढ़ाया, पूरा बैच फ्री पढ़ाया बच्चों को। तो मैंने एक सीरीज शुरू की थी हार्ड क्वेश्चन सीरीज नाम से, वो सीरीज इतनी पॉपुलर हुई मतलब हर एक बच्चा मेरी वीडियोस देखता था उस टाइम पे। और मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं स्टूडेंट से भी छोटा लगता था, लोग टीचर की तरह मैं दिखता ही नहीं था, बिल्कुल मैं बालक की तरह दिखता था और इतना बिल्कुल पतला हड्डी जैसा था। लेकिन जब हमने एक साल फ्री पढ़ाया उसके बाद अपना खुद का चैनल शुरू किया गगन प्रताप मैथ्स, बच्चे जुड़ते गए और आखिर तक जर्नी बनती चली गई। फिर उसके बाद अपने आप रास्ते बनते गए। मेन चीज ये थी कि मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे 2017 में मेरे साथ आप ये माने कि हजारों और लड़कों ने शुरू किया था जो मेरी ही एज के थे, या हजारों बने बनाए ऑफलाइन के जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित टीचर हैं उन्होंने भी शुरू किया था, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच पाए। मैं यहाँ पे पहुंचा क्योंकि मैं लगा रहा, मैं अपनी लाइन से डाइवर्ट नहीं हुआ और जो बच्चों की डिमांड थी हमने उनको वही डिलीवर किया। एक मोटो ये था कि ऑफलाइन की जो फीस थी जो बहुत महंगी 40-50 हज़ार रुपये की फीस थी, जिसको छोटे गांव के और शहर के लड़के नहीं, क्योंकि हमने टारगेट किया मेनली रूरल एरिया को, जो गांव के बच्चे, उस फीस को हम 500 पे 1000 1500 पे बिल्कुल मिनिमम ले आए। तो 40-50 हज़ार की फीस को, 40-50 हज़ार की जो पूरी तैयारी SSC की 40-50 हज़ार रुपए में होती थी, यहाँ बाहर भी आना पड़ता था, फिर रूम रेंट खाने का किराया ये सब खत्म करके आज कोई भी बच्चा 2-3 हज़ार रुपए में ऑनलाइन तैयारी कर सकता है ज्यादा बेटर कंटेंट के साथ। तो उसका कहीं ना कहीं टॉप 2-3 में श्रेय मेरे को जाता है कि मैंने SSC में सेगमेंट में ये काम किया और उसके बाद ये चीज बनती चली गई। और अब बच्चों का विश्वास इतना है कि अभी जब हमने नोटिफिकेशन आया तो हमने बच्चों को बहुत ही मिनिमम सी फीस में जो है बच्चों को कोर्स दिया, तो 60,000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। 60,000 से ये बच्चे कहते हैं कि सर आपका मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है? मेरे कहा भाई मेरे को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो जिम्मेदारी है। जिस टीचर के पास अगर 60,000 बच्चे इस उम्मीद से आए हों कि मैं यहाँ से पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और मैं उसके उसके साथ काम करता हूँ और आपके सामने बैठा हूँ, इससे बड़ी बात क्या है सर। सर ऐसा कोई बहुत फनी इंसिडेंट जो आपका किसी अपने स्टूडेंट के साथ रहा हो जिसको आप लोगों को भी सुनाते हो और सुन के हंसी आती हो, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी? यार फनी भी कह सकते हैं उसे और मोटिवेशन भी कह सकते हैं। एक सर मैं ना ऐसे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, दो टाइप के, एक तो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट होता है जिसे कुछ नहीं आता, जो अभी अभी आया है, एक जो पूरी मार्केट में सब जगह धक्के खा चुका है, सारे टीचर से वो पढ़ चुका है, यूट्यूब के सारे चैनल खगाल चुका है, सारा कर चुका है, लेकिन उसका कहीं हो नहीं पा रहा। तो जो परेशान सताए वो बच्चा, उसको भी हम पढ़ाते हैं, जो सब जगह से मार खा चुका है उसको मैं ट्रेन करता हूँ, उसका कहीं ना कहीं हो भी जाता है। तो एक लड़की थी, बिहार की लड़की थी, बहुत ही सामान्य परिवार से थी, दो बहनें थी वो, और वो दिल्ली आई, दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग करी। तो एक टीचर था, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, और तुमको ये चीज़ नहीं आ रही, 10 महीने लगेगा तुमको सिलेबस खत्म करने में, और ये और वो करके वो बेचारी बहुत डिमोटिवेट हो गई। और फिर वो लड़की हमारे पास जुड़ी, मेरी उससे एक बार फोन पे बात हुई और हमने उसको पढ़ाया पूरी तरीके से, एक साल तक सिस्टमेटिक चीजें चली। मैंने कहा कि तुम थोड़े कमजोर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हो नहीं सकता। और उसके बाद वो लड़की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी, अरे वाह, और उसकी छोटी बहन बिहार में दरोगा बनी। और दोनों का जब मेरे पास कॉल आया तो वो जो इंसिडेंट था मेरे लिए कि जिसको डांट दिया था, इवन मैंने भी उसको 5-6 बार डांट दिया था, और वो लड़की जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गई, जहां से उसके पूरे इलाके से कोई नहीं बना सर आज तक, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। तो सर ऐसा कोई टीचर जिसके साथ आप मतलब एक दिन बिताना चाहें, कि आपको लगता है यार इनसे मैं एक्चुअली अपनी फील्ड का हो चाहे ना हो मैं कुछ सीख सकूं, कोई भी एक टीचर जिनके साथ आप एक दिन बिताना चाहें? सर वो तो मोमेंट जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज का एक दिन तो हम आपके साथ ही बिताएंगे। और सर ऐसा कोई टीचर जिसके साथ आप एक दिन क्या एक भी सेकंड ना बिताना चाहे, मतलब आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। नहीं ऐसा, अगर कोई टीचर है हाँ। तो टीचर
बना हुआ है, कई साल से बच्चे उससे पढ़ रहे हैं वो मार्केट में, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बात है। कोई आदमी इतने लंबे टाइम तक ऐसी टीचर नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया बात है ना, क्योंकि जैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे जो हम कह देते ना नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होने की वजह से वो लॉन्च जरूर हो सकता है लेकिन वो 10 साल तक टिक नहीं सकता। जैसे कि एग्जांपल के लिए अल्लू अर्जुन है, वो भी नेपोटिज्म ही है लेकिन वो 20 साल से अगर इंडस्ट्री में बने हुए हैं और आज तक भी टॉप पे हैं तो अपने टैलेंट की वजह से। इसी तरीके से टीचर, तो टीचर अगर कोई भी है तो मेरे लिए सम्मान्य है। और मेरी ज्यादा एज मेरी है नहीं, तो मेरे से बड़ी एज के ज्यादातर सभी टीचर्स हैं, तो मैं ऐसा तो है नहीं मैं किसी के साथ टाइम नहीं बिताना चाहूंगा, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सर, आपकी बचपन की ऐसी कोई मेमोरी जो आपको अभी तक याद है और वो आपको मोटिवेट करती है, क्योंकि होती हैं कुछ लाइफ में, क्योंकि हम सबके लाइफ के हालात वैसे नहीं थे शायद जैसे हम लोग आज हैं जहां हम स्टैंड करते हैं, तो कोई भी मेमोरी जिसको याद करके आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हो ऐसा कुछ? सर, जब बचपन में हम गाँव से अपने शहर शिफ्ट हो गए थे तो पिताजी ने नया नया काम शुरू किया था। बेसिकली क्या था कि दिल्ली में धूपबत्ती अगरबत्ती आप जानते हैं, हम पूजा करते हैं, तो कच्चा माल लेके जाते थे और उसकी पैकेजिंग करते थे। तो नया नया काम था तो इनकम बहुत ज्यादा थी नहीं, तो ट्यूशन थे तो 300-350 रुपए की फीस, आज के हिसाब से उस टाइम पे तो 120-130 रुपए की फीस भी हमारे लिए काफी ज्यादा थी। लेकिन मैं ना चीजों को सीख बहुत जल्दी लेता था, तो जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, जो मैं 8th क्लास की बात बता रहा हूँ, उन्होंने बोला यार इस लड़के से कोई ट्यूशन की फीस नहीं लेगा, ये आपके घर पे आएगा और आप इसको फ्री में मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाएंगे तो ये लड़का बहुत आगे जाएगा, ये बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है। और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के ये बात कही, तो उनकी ये बात मेरे दिमाग में थी कि आज प्रिंसिपल सर ने ये बोला है और वो RSS से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी पूरा जो हमारा टाउन है उनका सम्मान करता है। और आज जब मैं कामयाब हुआ तो मैं वापस उसी स्कूल में गया, मैंने स्कूल का पूरा रेनोवेशन कराया, हर बच्चे को ड्रेस दी और प्रिंसिपल सर के हाथ में 31,000 रुपए मैंने रखे कि सर आपने बात कही थी, और वो बात जीवन भर मेरे दिमाग में रही, ग्रेजुएशन के दौरान भी, मेरे स्ट्रगल के दौरान भी। और जैसे ही मैं कामयाब हुआ, सर सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ और ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा है, और मैं बहुत जल्दी सर उस स्कूल को गोद भी लेने वाला हूँ, मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल काफी ज्यादा खुल चुके हैं तो हिंदी मीडियम का जैसे स्कूल है तो थोड़ा डाउनफॉल में, पर मैं उसको गोद लेके मैं उस स्कूल को रन करूंगा। तो ये मेरा मोमेंट ऐसा है जो हमेशा लाइफ भर साथ रहा और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगा। बहुत ही बढ़िया। और दूसरा कि सर एक मोमेंट और भी था कि जब मैं कॉलेज में था, पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था सर। 11th-12th में तो बड़ा मजा आता था लेकिन बीटेक में मजा नहीं आता था सर, पढ़ने में बोरिंग सा लगता था। और जब मैं 3 बार कॉलेज से डिबार्ड हुआ, घर पे सोता रहता था, लैपटॉप में दिन भर मूवीज देखता था, वेब सीरीज, ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं जो मैंने ना देखी हो, 24 घंटे में से 15-20 घंटे। तो 3 बार जब कॉलेज से डिबार हुआ, जब 4th बार डिबार हुआ तो डायरेक्टर सर के पास मुझे ले जाएगा कि ये सर लड़का है बिल्कुल कॉलेज आता नहीं है, लेक्चर अटेंड नहीं करता और सोता रहता है और बिल्कुल किनारे पे पास होता है। तो सर ने मुझे बहुत डांटा, उन्होंने इंग्लिश में मेरी बेइज्जती करी, वो अच्छी बात है, मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहा पर बेइज्जती उन्होंने करी थी। पर कुछ टाइम के बाद, कॉलेज पास आउट होने के 4-5 साल बाद, अभी मैं वापस उसी कॉलेज में स्टेज पे सभी बच्चों के सामने टेडएक्स में जब मैंने सेमिनार दिया और डायरेक्टर सर ने आगे मेरे कंधे पे हाथ रखे कहा गगन यू हैव डन वेरी वेल इन योर लाइफ, तो वो मोमेंट भी सर मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो मेरे पुराने टीचर्स हैं और जिन्होंने मुझे डांटा और आप मुझे पुचकारते भी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपके पेरेंट्स जब कोई अपने रिश्तेदारों को डिस्क्राइब करते हैं कि मेरा बेटा क्या करता है, तो वो क्या बताते हैं? सर, जो रिश्तेदार हैं, पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको समझ में उतना आता नहीं है, वो वीडियो देख के बड़े खुश होते हैं कि हमारा भतीजा है, हमारा भांजा यूट्यूब पे आता है, वो मोबाइल में दिखता है नहीं, वो उनको यूट्यूब तो पता नहीं कि मोबाइल में दिखता है वो, तो उसको देख के बड़ा खुश होते हैं। एक्चुअली माँ बाप ना हर चीज़ भले के लिए कहते हैं। बिल्कुल, जब बचपन में थे तो वो कहते थे कि भाई अगर तू पढ़ लेगा तो अभी से पढ़ना शुरू करेगा 6th-7th-8th क्लास में तो 9th-10th में अच्छे नंबर आ जाएंगे। उनका पर्पस ये होता है कि 9th-10th में अच्छे नंबर आ जाएंगे, कि अगर किसी ने 9th-10th में अच्छे से कर ली तो जितने भी इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम सिस्टम है उसमें 9th और 10th का ही सिलेबस है, चाहे वो MTS से लेकर UPSC तक, वो 9th-10th ही बेस है। फिर उसके बाद वो कहेंगे 11th-12th अच्छे से कर लो, वो 11th-12th बहुत अच्छे से करेगा तो हो सकता है वो अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन हो जाए, IIT या NEET वो क्रैक कर ले। उसके बाद वो कहेंगे दोबारा से कि आप ग्रेजुएशन बढ़िया से कर लो, क्योंकि उनका पर्पज ये है कि कोई
ग्रेजुएशन अच्छे से कर ले तो उसका अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगा, या कोई कहीं वो बाहर भी निकल जाएगा, या फिर मेरी हो सकता है आपके साथ बैठा हो मेरी तरह। तो माँ बाप जो हैं वो शुरू में डरते थे कि भाई तू एक ट्रेडिशनल काम क्यों नहीं कर रहा, जॉब क्यों नहीं कर रहा, या तू एक साल तक फ्री पढ़ा रहा है, कोई इनकम नहीं, यूट्यूब उस टाइम यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते थे, अगर पढ़ाना है तो ऑफलाइन कोचिंग में जाके जहाँ 500 लड़के हैं वो क्यों नहीं कर रहा। तो एक्चुअली वो डरते थे, माँ बाप आपके केयर करते हैं इसलिए आपको किसी चीज़ को करने के लिए मना करते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि या तो आप शीशे के इस पार हैं या उस पार है, यस और नो है, या तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं या नहीं है। लेकिन हमारा जो काम है, जो यूट्यूब वाला काम है या जो एजुकेशन वाला काम है या और कोई भी बिजनेस वाला काम है, उसमें ना धीरे धीरे ग्रोथ होती है और उस ग्रोथ को माँ बाप पकड़ लेते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में तरक्की कर रहा है, उसके बाद वो अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। कोई भी आदमी नया काम कर रहे और माँ बाप उसको डांट रहे गरियाने, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको अपोज कर रहे, इसका मतलब वो कि आपकी वो चिंता करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा भी इसी तरीके से बोलते थे, लेकिन जब धीरे धीरे सक्सेसफुल हुआ तो मम्मी पापा भी अब चौड़ में पिताजी सभी को बताते हैं। और मैं जैसे मेरा पब्लिकेशन है तो मेरी किताबें, तो पापा ने बहुत सारी किताबें रख रखी है अलमारी में, तो कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आएगा तो उसको किताबें फ्री में देते हैं कि मेरे बेटे की किताब है। इस तरीके से तो आज तो वो काफी प्राउड फील करते हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी, आप रेंज रोवर लेके आए तो बहुत ज्यादा खुश थे। तो मतलब आपके पहले के फाइनेंशियल हालात क्या थे जब आप छोटे थे? पहले के फाइनेंशियल हालात सर ये थे कि हम, अगर मैं सही बात कहूँ तो गांव से जब हम लोग लेके आए थे तो 1500 रुपये और एक 20 किलो आटा, केवल इतना सामान लेके मेरे पिताजी गांव आए थे। तो लोअर, सुपर लोअर मिडिल क्लास जो होती है उससे हम बिलोंग करते हैं, और 15 साल हम लोग किराए पे रहे थे। और मुझे बड़ा दुख होता था कि पिताजी अगर 7,000-8,000 रुपये महीने कमा रहे हैं और उसमें से 2,000 रुपये किराए में चले जाते हैं, 500 रुपये बिजली के बिल में चले जाते हैं और हाथ में छोटी सी इनकम बचती है। और मेरे पिताजी ये था कि वो डिस्कस भी करते थे मेरे साथ चीज़ें, क्योंकि उनको दिखाना था कि देख इतने मेहनत से पैसा कमाया जाता है और तुझे ही आगे जाके संभालना है और कोई बैकअप हमारे पास है नहीं। क्योंकि जो गाँव की जो लैंड वगैरह होती है वो भाई पहले तो बालक भी 10-10, 12-12 होते थे, तो वो डिवाइड होते होते बहुत छोटी सी बस्ती है और कोई बैकअप है नहीं। तो मुझे ना वो चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से पता थी। और पिताजी मुझे ट्रेन भी करते थे, तो हमारे हालात शुरू से बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन इसके बाद जब हालात सुधरना शुरू हुए तो मैंने, क्योंकि मेरे पिताजी 15-20 साल तक गांव में किराए के मकान में रहे टाउन में, तो सबसे पहले पूरे टाउन की सबसे बड़ी कोठी मैंने अपने पिताजी को बना के दी और आज वो उसी में रहते हैं। और मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी तभी बनवाया सर जब हमने रेंज रोवर ले ली। काम करना है तो बड़ा करना है, बहुत बढ़िया। और रेंज रोवर लेने के बाद वो अपने पिताजी को दी। अभी मैंने अपने छोटे भाई को थार भी दी, और क्योंकि फैमिली खुश रहनी चाहिए अल्टीमेटली, फैमिली सब कुछ है। क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन वाला काम है ना, इस पर टेंशन भी बहुत है, झंझटबाजी भी बहुत है, थकावट बहुत होती है। अगर फैमिली खुश रहेगी, सपोर्टिव रहेगी, तो ही आप अच्छे से काम कर सकते हो। सही बात, वरना एक टेंशन और है, वरना एक टेंशन और रहती है। क्योंकि आप तो शादीशुदा भी हैं और मैं तो शादीशुदा भी हूँ। ठीक है सर, ऐसे तीन लोग जिन्होंने आपको मतलब इन्फ्लुएंस किया लाइफ में कि भाई आपके लाइफ में कुछ बदलाव लाए, एक तो शायद आपके प्रिंसिपल ही हैं, और कोई दो लोग आपकी फैमिली में या कोई लोग जिनको आप देख के आप इन्फ्लुएंस हुए हो, आपने अपने राह को बदला है, मार्ग को बदला है, ऐसे कोई लोग? सर दो लोग तो मेरी फैमिली में हैं, एक तो मेरा छोटा भाई। अच्छा। क्योंकि मैं अगर कहूँ तो मैं एक प्योर एजुकेटर हूँ, मुझे टेक्निकल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये आईफोन भी सर अभी 2-3 महीने पहले चलाना सीखा है, ये भी कि ये ऐसे ऐसे कुछ होता है, तो टेक्निकलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल कंटेंट और बच्चों को पढ़ाने। इसके अलावा मेरे पास कोई आर्ट भगवान ने दी नहीं, जो कि अच्छी बात है। तो मैं यहाँ तक जो भी जहाँ भी जैसे भी पहुँचा हूँ और आपके सामने बैठा हूँ, तो उसमें मेरे भाई का ही सपोर्ट है। तो वो मेरे तरीके से एक रोल मॉडल है, वो कभी घबराता नहीं है और उसके डिसीजन हमेशा 100% एक्यूरेट रहे, कभी गलत नहीं हुए। और दूसरा मेरी वाइफ, मेरी वाइफ जो है, मैं आपके चैनल पर बता देता हूँ कि हमारी लव मैरिज है, बच्चे पूछते रहते हैं। अच्छा। और मैं और मेरी वाइफ तब से साथ है जब मैं -50,000 में था, 50,000 रुपीज के कर्जे में था। और बुरा टाइम अगर उनके साथ निकाला है तो आज मेरा अच्छा टाइम भी उन्हीं के लिए है। तो ये दोनों लोग थे। दूसरा मम्मी पापा के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, दे आर माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। कि अगर मम्मी पापा को मैंने ना घिस घिस के, दिल दिल के मुझे पढ़ाते हुए और उनकी स्ट्रगल को देखा है, क्योंकि मैं
बचपन से ही थोड़ा उनको समझदार हो गया तो उनको देखते हुए, और दूसरा कि मुझे ना टीचर्स बहुत अच्छे मिले सर, जो बहुत जरूरी है वो मिलना सर। हाँ, छोटे शहर के बेशक टीचर्स थे, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ाऊँ चाहे वो प्रिंसिपल सर हों, और ट्वेल्थ में जो मेरे टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे। तो मेरा जो इंस्पिरेशन है मेरी फैमिली में टीचर्स, बाकी सोशल मीडिया के थ्रू मैंने सर किसी से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली है। मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि बच्चे मोटिवेशनल वीडियोज देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बिगेस्ट मोटिवेशन हमारे माँ बाप ही है, कि आप उनको देखो वो कैसे हालात में है, उनको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं सर, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, इंडियन यूथ के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है कि उसको बहन की शादी करनी है, माँ बाप को अच्छी लाइफ देनी है, खुद के पैरों पर खड़ा होना है, और जो घर में कर्ज हो रखा है या जो चीज सही नहीं है उसको ठीक करना है, उसके अलावा मोटिवेशन की जरूरत क्या है, यही सब कुछ है। तो जिम्मेदारी और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि अगर एक डिसिप्लिन बनाइए, टारगेट बनाइए और उसके ऊपर लगे रहिए, चाहे वो टारगेट आपको मिले ना मिले, लेकिन भगवान दूसरे वाई रास्ते से आपको सक्सेस जरूर देगा। क्योंकि मैं तो सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, लेकिन वो साइड करके हम टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा कर गए। तो आप करते रहोगे तो भगवान आपको जरूर सक्सेस देगा ही देगा। ठीक है सर, तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसका आंसर वैसे तो सिर्फ यस और नो में देना है जी, बट अगर आप चाहें तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कभी आपने एग्जाम में चीटिंग की? आप कैमरा में यस और नो का कार्ड दिखा दें। मैंने तो नहीं की सर, पर करवाई है। अच्छा, करवाई है। हाँ, ऐसे भी करवाई है कि ए बी सी जैसे हम कॉपी लेते हैं ना एग्जाम के बाद, तो कॉपी बी दूसरे को पकड़ा दी। अच्छा, फिर वापस ले ली इस तरीके से। ठीक है, क्या किसी स्टूडेंट का आप पे कभी कोई क्रश आया, किसी स्टूडेंट ने आपको बोला हो कि यार सर आप बहुत हैंडसम हो, और ऐसा कुछ शादी से पहले या शादी के बाद हुआ है? हाँ, ठीक है। अच्छा, बहुत हुआ है, बहुत बार। रेंज रोवर आने के बाद तो ज्यादा हुआ होगा। नहीं, अब तो सर मैं देखता ही नहीं सोशल मीडिया। बहुत बढ़िया है सर। हाँ, बाकी होता था लेकिन मैंने जो हमारे एक साथ के टीचर है राकेश सर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये चीजें ना होंगी तो आप ना एक काम करना शुरू करो, अपना बेटा बेटा बोलना शुरू कर दो। हालांकि मैं चाहे उनसे एक साल उम्र में छोटा हूँ, कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा तो मैं लड़की तो पहले मैं 3 कदम पहले पीछे ले लेता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ बेटा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो उससे ना वो चीज वहीं पे कट हो जाती है। सेम घटना मेरे साथ हुई एक बारी। एक मैं भी बच्चों को बेटा या बच्चों बोलता हूँ, बेटा बोलता हूँ। हाँ। तो एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, जब मैं ऑनलाइन में नहीं था और तब व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, टेक्स्ट मैसेज बहुत चलते थे। हाँ। तो उसने कहा सर मुझे आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, पूरा लंबा मैसेज था और लास्ट में था कि बस बेटा मत बोला करो। तो वो मैं समझ गया, लेकिन मैं उसको फिर बार बार बेटा ही बोलता था क्लास में, तो ये एक सही तरीका है। क्या आपको स्टेज पे जाने का कभी फियर या डर रहा है? अभी भी होता है सर। अभी भी है? अभी भी हो जाता है स्टेज पे कि बहुत सारी ऑडियंस है, कि अच्छा बोलेंगे कि नहीं, कि वो जो चीज़ वो सुनना चाहते हैं मैं वो बोल पाऊंगा कि नहीं, तो अभी भी हो जाता है डर। लेकिन वैसे मेरे को कोई डर नहीं है, वो मैं तो 50-50, 60-60 हज़ार बच्चों को भी लाइव हैंडल किया ऑनलाइन क्लासेस में, बड़े बड़े सेमिनार भी किए। ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन हम लोग बहुत बच्चा पढ़ा देते हैं, लेकिन जब हम ऑफलाइन में किसी रैंडम ऑडियंस के पास जाते हैं तो ये डर रहता है कि हम कुछ गलत ना बोल दें, कुछ रहता है कि कोई हर्ट ना हो जाए हमसे, क्योंकि हम ऑनलाइन तो बच्चों से डेली मिलते हैं, ऑफलाइन मुलाकात होती है कभी कभी, जैसे हमने सेमिनार रख दिया या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वहां पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, हर किसी की हमसे अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल है। कोई केवल फोटो खिंचाने के लिए आया, कोई केवल गले मिलने के लिए आया, कोई गाइडेंस के लिए आया, हर बच्चे से मिलना पॉसिबल नहीं है, तो कोई हर्ट होके ना जाए, बड़ी दूर से आया, ये चीज रहती है सर दिमाग में। क्या भूतों में विश्वास रखते हैं? हाँ सर, भूत देखे भी है सामने। और कोई कहानी इसके ऊपर आपके पास? सर वो तो हर गांव गांव की कहानी है, हर गांव में पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे भूत है। जहाँ पे दादा दादी जाने से मना कर दें कि भाई इस पेड़ के नीचे मत जाना, लेकिन भूतों में विश्वास है। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ हो आपने, ये तो आपने लोगों की कहानी बताई कि लोगों ने आपको बताया, आपके साथ कुछ बीता वैसा? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ सर, नहीं मैं हुआ। तो भूतों में नहीं, मैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में मानता हूँ। नेगेटिव एनर्जी होती है सर, क्योंकि इससे पहले जब हम किराए के घर पे रहते थे तो वहाँ रात को ना बड़ा नेगेटिव सा माहौल हो जाता था, तो वही मैं कहूंगा कि वो एक तरह से भूत है। अब जब हमने खुद के घर पर बना लिया, हम यहाँ कहीं अच्छी जगह जाएंगे तो हमारा अच्छा अच्छा सा लगता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत भूत नाम की कुछ चीज नहीं है सर ऐसे। क्या आपको अपने बचपन में किसी टीचर पे क्रश आया हो? हाँ, ये तो है सर। एक दो चार टीचर। अरे वाह। ठीक है, आपने कभी किसी और टीचर का कंटेंट यूज किया हो, कॉपी किया हो यूट्यूब पे कभी? कॉपी तो नहीं कहेंगे, पर मैंने ना हर टीचर से सीखा है। सीखा है वो अलग बात है।
स्टार्टिंग में जब 2017 में थे तो मैं भी तो एक एज ए स्टूडेंट ही था, टीचर ही बनना शुरू किया। तो यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं, जो मेरे साथी टीचर्स हैं, या जो कैट के, एमबीए के, बाकी अदर एग्जाम होते हैं सीडीएस के, एफसीए के, उसके जो टीचर्स थे, हालांकि बहुत कम कंटेंट अवेलेबल था उस टाइम पे वेबसाइट पे जो था, तो जो भी जिसका पढ़ा हुआ है मैंने ईच एंड एवरीथिंग पढ़ी है, इंस्पिरेशन तो ली होगी। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी यूट्यूब पे जितनी वीडियोस मैथ्स की अपलोड होती है, तो मेरी जैसे मैं तो टीचर बन चुका हूँ, तो एक घंटे की वीडियो में मुश्किल से 3-4-5 मिनट में पढ़ लेता हूँ। हाँ। फास्ट फॉरवर्ड करके मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो सारा कंटेंट आज भी देखता हूँ। मतलब बेसिकली यूट्यूब पे मेरी कैटेगरी में जितने भी टीचर्स हैं और इसके आइड बाई साइड जितने भी एग्जाम है, उन सभी का मिक्सअप हूँ, सारे टीचर्स का एक कॉम्बिनेशन हूँ मैं, आप ये कह सकते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और किसी टीचर का मुझे कोई बहुत अच्छी चीज लगती है तो मैं उसको एडॉप्ट भी कर लेता हूँ तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से बढ़िया चीज मिले शॉर्ट में उसको बच्चों को एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेनेशन पार्ट मेरा खुद का है और वही टीचर की क्वालिटी है, बिल्कुल। और एक्सप्लेनेशन पार्ट की वजह से ही मैं आगे तक बढ़ पाया, क्योंकि कंटेंट तो बहुत लोगों के पास है, मेनली उसको समझा पाना, क्योंकि ऐसे बच्चे भी है सर जो 25 का स्क्वायर बराबर 625 नहीं जानते, ऐसे बच्चे भी हैं और 12th पास भी हैं, उनके 90% भी है, ग्रेजुएशन भी है, और वो उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए भी, ऐसे लड़कों को भी ट्रेन करना होता है, तो आप केवल वो टीचिंग स्किल के दम पे कर सकते हो। पर मेरा तरीका शायद आप लोगों ने, आपने सर देखा नहीं होगा, क्लोज एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा डांट डांट के पढ़ाता हूँ बच्चे को, बहुत ज्यादा डांट डांट के, लेकिन फिर भी बच्चा खुश होता है, सर बड़ा मजा आ रहा है, बिल्कुल उसकी बेइज्जती भी हो जाती है और खुश भी रहता है। अच्छा, आपका कंटेंट किसी टीचर ने कभी कोई कॉपी किया हो? बहुत लोगों ने, ऑनलाइन तो सर कोई लिमिट ही नहीं। मैं बताऊं सर, बहुत सारी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी ऐसी हैं जो बोर्ड पीपीटी बोर्ड पे पढ़ाते हैं, पीपीटी बोर्ड पीपीटी दिल्ली, सेम पीपीटी क्या सर, जो मेरी शीट है वो शीट से मेरा नाम हटा के और वो शीट के क्वेश्चन स्नैप करके सेम उसी सीक्वेंस पे पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन के एक दो नहीं, हजारों टीचर ऐसे हैं जो हमारी शीट्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने छोटे शहरों में पढ़ा रहे हैं, और मैंने कभी किसी का अपोज नहीं किया, ना मैंने किसी को स्ट्राइक भेजी, ना मैंने कभी फोन किया कि भैया आप ऐसा मत करो। पर ये तो शायद मुझे लगता है खुशी की बात, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना सिक्वेंस में उनको मिल जाता है, किसी की मेहनत बच रही है, वो अपने घर में टाइम लगा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी कमेंट्स पढ़े हैं और उस पर रिप्लाई बैक किया है कुछ बुरे कमेंट्स पे? अच्छे पे तो हम करते ही, कुछ बुरे कमेंट्स भी आते होंगे सर, सबकी वीडियो पे आते हैं, कभी आप रिप्लाई किया या ध्यान नहीं देते हो? सर अगर 100% कमेंट है तो जैसे मैं अगर कहूं एज एजुकेटर, तो 97% 98% उसमें पॉजिटिव कमेंट होते हैं, 2% गलत कमेंट भी होते हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, तो मैं किसी का ऐसे रिप्लाई नहीं करता, मैं जस्ट सिंपली उसको हाइड कर देता हूं या जो मेरी टीम हाइड कर देती है। बाकी जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं उनको हार्ट दे देते हैं, उनका रिप्लाई कर देते हैं, बाकी निगेटिव पे तो अपन लोग ध्यान ही नहीं देते। 98% पॉजिटिव उनको संभालो। शुरू में तो जाता होगा ध्यान, जब इनिशियली स्टार्ट किया था शुरू में ध्यान जाता था, पर शुरू में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि हमारा बड़ा गरीब सा सेटअप था, तो मोबाइल में देख नहीं सकते थे कमेंट, सामने स्क्रीन पे देख नहीं सकते, तो उतना पैसा नहीं था टीवी लगाने का, तो कमेंट दिखता ही नहीं था लाइव में। उसके बाद में जो कमेंट आते थे उनको देख के बड़ा कभी कभी दुख हो जाता था कि ये तो हमारे एज का लड़का है, मेरे से 2 साल छोटा है, भाई ये क्या पढ़ाएगा, पहले तो ढंग से पढ़ ले ये और वो, तो लेकिन धीरे धीरे वो चीज इम्प्रूव होती गई, लेकिन अब मैं ध्यान नहीं देता, कूल एकदम हो चुका हूँ। आपने कभी व्यूज के लिए कोई वीडियो बनाई है? मतलब सिर्फ की व्यूज के लिए है ये, इसमें कंटेंट नहीं है? हाँ सर, ठीक है, केवल व्यूज के लिए मैंने स्पेशली तो नहीं बनाई, लेकिन मेरी टीम बनवा दी, बनवाई टीम बनवा दी कि इस तरीके से बोल दीजिए तो इस पे व्यूज आ जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ये बात सिंपल ना बोल के इस तरीके से घुमा के बोलेंगे तो व्यूज आएंगे, तो मेरी टीम ने तो बनवाई, लेकिन मैंने कभी इंटेंशन जाके भाई ये काम करते हैं आज और इस पे बढ़िया व्यूज मिलेंगे, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम व्यूज के लिए प्लान करते हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हम जब दिल से कोई चीज कर रहे होते हैं। हम लोगों ने बहुत कंटेंट बनाया यूट्यूब पे, अब जैसे एक मैंने वीडियो बनाई थी सिगरेट के ऊपर, उसके बैड इफेक्ट्स के ऊपर, और सच बताऊं तो मेरा वहां पे इंटेंशन सिर्फ लोगों को मैसेज पहुंचाना था, व्यूज नहीं था, क्योंकि उससे पहले कुछ एक घटना हुई थी मेरे यूट्यूब पे, स्पैमिंग हो गई थी कि मैं लाइटर को प्रमोट कर रहा हूँ, और ऑल्दो मैं लाइटर से एक साइंस का एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था, तो मुझे दिमाग में आया कि नहीं यार अब तो एक सिगरेट के बैड इफेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, और वो वीडियो मैंने सच में व्यूज के लिए नहीं बनाई थी, बच्चों को मैसेज देने के लिए बनाई थी। देखिए सर, मैंने आपकी वीडियो, और वो मेरी अभी तक की यूट्यूब पे सबसे वायरल वीडियो है, मतलब अगर हम सारे व्यूज कैलकुलेट करें तो 200-250 मिलियन व्यूज हैं उस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब व्यूज के लिए कंटेंट बनाते हैं तो आजकल ऑडियंस बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। हाँ।
वो समझ जाती है। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे हैं? हाँ सर बिल्कुल। तो आपने इंस्टाग्राम पे कभी किसी को स्टॉक किया है, किसी की प्रोफाइल देखी है बार बार लेकिन उसको फॉलो नहीं किया हुआ? कभी कभार सर ऐसा कुछ फनी सा इंसिडेंट हो जाता है तो उसको जाके देख लेते हैं कि यार ये भी कुछ चल रहा है, लेकिन फिर बाद में उसको डिलीट भी कर देते हैं। पर किया है सर? सब मतलब सभी ने किया होगा। ठीक है, लास्ट सवाल है सर, मतलब यस और नो में बिल्कुल, क्या कभी आपने अपनी वाइफ को झूठ बोल के फोन काटा है कि मैं क्लास में हूँ? नहीं, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं सर, फोन ही नहीं उठाया। अच्छा, काटने की जरूरत ही नहीं है। मेरी वाइफ बहुत समझदार है सर, उनको पता है कि मेरी क्लास इस टाइम पे है, वो ना फोन करेंगी ना मैसेज करेंगी ना कुछ बोलेंगी। अगर मैं जैसे आपके साथ बैठा हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो जब तक मैं अपनी तरफ से रिवर्ट नहीं करूंगा वो कुछ नहीं कहेंगी। शी इज वेरी हेल्पफुल। बहुत बढ़िया सर। तो क्योंकि मैं एक साइंस का टीचर हूँ, मैं आपसे 5 साइंस के सवाल पूछूंगा, बहुत बेसिक। अच्छा सर, आपको क्या? बहुत बेसिक है सर, ठीक है ना। हमारे शरीर का बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हमारे शरीर का बिगेस्ट ऑर्गन आप पूछ रहे सर? ऑर्गन, हाँ जी, हार्ट। अच्छा, वैसे स्किन है? स्किन। बहुत कम लोगों को पता होता है कि स्किन वैसे तो एक ऑर्गन है ना। हाँ। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो पहली सवाल गलत हो गया। कोई बात नहीं सर। सर, एनर्जी की यूनिट पता आपको क्या होती है? जूल। बहुत बढ़िया सर। सर, 5 टाइम को नापने की अलग अलग यूनिट्स? सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स एंड माइक्रोसेकंड। बढ़िया सर। मिलीसेकंड, नैनोसेकंड, पिकोसेकंड। अब मैं समझ गया, बीटेक के। सर, बल्ब किसने इन्वेंट किया था? बल्ब एडिशन ने, थॉमस अल्वा एडिशन। बहुत बढ़िया सर। साउंड सबसे ज्यादा तेज किस में चलती है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? गैस पे सर। सॉलिड में। सॉलिड में चलती है। सर ने 5 में से 3 सवाल सही दिए, बहुत बढ़िया, ताली मार दिया सर। मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है। एक्चुअली सर, टीचर तो फिजिक्स का ही बनना था। अरे अच्छा, गलती से मैथ्स का बन गया। ओके, फिजिक्स आती नहीं सर कंपटीशन में, नहीं इतनी, वरना फिजिक्स का ही टीचर होता सर, फिर मैं आपको टक्कर दे रहा होता कंपटीशन में। लगता है हम दोस्त होते सर। बिल्कुल, हां जी सर। आप मैथ्स के टीचर हैं, तो आप 2 मैथ्स के सवाल हैं। आपको ऐसी 3 मूवीज बतानी है जो टीचर्स के ऊपर बनी है? टीचर्स के ऊपर बनी है ए ब्यूटीफुल माइंड, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी मिस्टर रामानुजन सर पे बनी है, जबरदस्त मूवी है। बाकी इंडिया में 3 इडियट्स भी मैं कहूंगा कि एज ए टीचर पे ही बनी है, थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा है। अभी धनुष की मूवी आई है साउथ में सर। अच्छा। हाँ, जो धनुष रजनीकांत के दामाद है, वो बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा। हाँ, उसमें 90s में जब एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो उस टाइम की उसने दिखाया, वो बहुत अच्छी फिल्म है, जो एज ए टीचर की ही कहानी है पूरी। बाकी राउडी टीचर की भी फिल्म आई है विजय की, वाथी, आप वो जानते हैं, मास्टर। अच्छा। नहीं, मैंने देखी नहीं है मास्टर। बाकी मैं ब्यूटीफुल माइंड और द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जबरदस्त फिल्म है सर। एक सर, आप ही के फील्ड के सुपर 30 देखी आपने वो? हाँ सर बिल्कुल देखी। मैं कैसे, मेरे ध्यान में नहीं आया सुपर 30। हाँ जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवी है वो। सर, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में मैं कुछ नाम लूंगा, आपको अगर उनको मैथ्स का कोई टर्म देना हो तो आप क्या देंगे? जैसे कि आपके छोटे भाई को? छोटे भाई को 4। और मतलब कोई टर्म भी दे सकते हैं आप, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, और उसका रीजन क्या है? सिग्मा। अरे वाह, सिग्मा मेल। वो आपने बताया क्योंकि वो डरते नहीं है, डिसीजन लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, अपनी वाइफ को क्या देंगे? वाइफ को 007। अरे वाह, ऐसा क्यों? सर वो हर चीज में परफेक्ट है। बहुत बढ़िया, लाइक जेम्स बॉन्ड। हाँ, मैं अपनी वाइफ को कॉम्प्लेक्स नंबर देता। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, वो कॉम्प्लेक्स भी है बट वो सबसे सिंपल भी है, इसलिए 007 परफेक्ट है। अपने फादर को? Alpha 1। बहुत बढ़िया। आपको उस वर्ड को सुनते सबसे पहले दिमाग में क्या होता है, बस वो बताना है। सर, खाना? मिठाई सर, रसगुल्ला। दिल्ली? दिल्ली दिल है सर, दिल्ली में पॉल्यूशन भी है सर। यूट्यूब? कॉन्ट्रोवर्सी विद कम कंटेंट एंड मोर एंटरटेनमेंट, लेस पढ़ाई टूडेज। बहुत बढ़िया सर। SSC? यूथ्स ड्रीम मोर ओवर इन इंडिया, मिडिल क्लास बॉय ड्रीम SSC। मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज लव, फन, सोर्स ऑफ अर्निंग, रेवेन्यू, लाइफ, जिंदगी, इर्द गिर्द सब कुछ मैथ्स। सही बात है सर। टीचर? हु टीचेस वेल, जो कमजोर से कमजोर और ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट को एक साथ सीक्वेंस में, कि दोनों को बुरा भी ना लगे और समझा सके, जो टीचिंग क्वालिटी पे ध्यान दे, लगातार इंप्रूव करता रहे, और टीचर एक स्टूडेंट की नजर पे उसकी जगह पे खड़ा होकर जो पढ़ाए, वो टीचर है। सक्सेस? सक्सेस जिसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप जहाँ पे भी हो, आपसे ऊपर हमेशा सक्सेसफुल लोग थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा ग्रो होने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने एक बात कही कि भाई हमने अपना रेंज रोवर भी तब ली जब हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया, और सर अभी तक ड्राइविंग आई नहीं है पूरी तरीके से। लर्निंग आया अभी? हाँ, लर्निंग ही है सर। तो
सक्सेस की कोई इस तरीके से डेफिनेशन नहीं है, संतुष्ट होना ज्यादा जरूरी है। सबके लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग, सबके लिए सक्सेस, कोई 70,000 रुपीस की गवर्नमेंट सर्विस में है वो भी सक्सेस है, कोई गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई साहब उनके लिए वो भी सक्सेस है, मेरे पिताजी जो है वो काम करे एक खुद का मकान बनाए छोटे शहर में उनके लिए वो भी सक्सेस है और मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है। सर फियर, डर, आपका डर कोई छोटा? हेल्थ का सर, हेल्थ खराब ना हो जाए, बाकी यूट्यूब का, अर्निंग का, फ्यूचर में क्या होगा इसका कोई डर नहीं है, बस हेल्थ का डर है और कोई डर नहीं है मेरे अंदर। कोई एडिक्शन? नो एडिक्शन सर, नो चिंगम, नो स्मोकिंग, ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है। एक एडिक्शन है सर मूवीज का। अच्छा, अभी भी है वो? बहुत ज्यादा है, नेटफ्लिक्स में देखता हूँ सर, यूट्यूब बिल्कुल नहीं देखता। अच्छा, हाँ यूट्यूब बहुत ही कम देखता हूँ, उसके अलावा वाइफ के आने की वजह से एडिक्शन और लगा एक घूमने का। अच्छा, 8 कंट्री सर घूम चुका हूँ दो साल में और बस यही है सर। कोई बिगेस्ट रिग्रेट आपका जिसके ऊपर आप पछताते हैं आज तक? बिगेस्ट रिग्रेट, हाँ मैंने सर एक स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से डांटा था। ऑनलाइन? ऑनलाइन नहीं सर, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट था, थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड था। हाँ। आपको पता है कि मैं तो बहुत इज्जत उतार के पढ़ाता हूँ बच्चे को उसमें खुश भी रहते हैं बच्चे को कि वो मैच्योर बच्चे हैं। तो मैंने उसे बोल दिया कि जैसे मैं अपनी देसी टोन में बोलता हूँ, तो उसकी मम्मी का फोन आया, आपने हमारे बच्चे को ऐसा किया, वो डर रहा है, बात नहीं कर रहा, सुबह से खाना नहीं खाया उसने। मैंने कहा वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा, उसने खाना नहीं खाया, मैंने डांट दिया। अब वो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा, उसके सीनियर उससे बोलेंगे, तो वो तो रोने लगेगा वहीं पे। तो इतना कमजोर बालक सुटेबल नहीं है सर्विस के लिए। तो मैंने उसकी मम्मी को ये बोल दिया, उसकी मम्मी भी सर फोन पे रोने लगी। तो मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ कि भाई अगर कोई सॉफ्ट हार्ट का वो है, वो धीरे धीरे सीख जाएगा, टफ लाइफ है आज के जमाने में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी टफ है। तो वो मुझे रिग्रेट हुआ सर, वो कि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ ही एक ही हुआ है। बट आपको ऐसा लगता है कि आजकल बच्चे बहुत कम डांट सुनते हैं? बहुत कम हमारे सर, मेरे हिसाब से तो जो स्कूलों में रूल आया ना, नहीं मारने पीटने वाला, ये होना ही नहीं चाहिए था। हमने तो बहुत मार खाई है सर, मार खा के ही आगे बढ़। सर हमारे तो स्कूल में वो इतना बड़ा डंडा होता था, उसपे सरसों का तेल लगा के वो टीचर तब कमर में मारते थे, मुर्गा बनाते थे। मारना पीटना वैसे नहीं कि आप बच्चे को बिल्कुल अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले, लेकिन बच्चे के अंदर ये भी डर होना चाहिए कि मैं गलती करूंगा तो टीचर मारेगा या फिर घर वालों को बुला के इंसल्ट करेगा, ये वो डर बच्चों के अंदर रहा नहीं। नहीं, और बच्चे आजकल मुझे लगता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो गए हैं। बिल्कुल, मैंने एक बच्चे को डांट दिया था क्लास के अंदर कि बेटा आप कितने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप पढ़ाई में कुछ कर पाओगे, आपको ऐसा करना ये कह नहीं सकते सर आप। अब ये मैंने उसको इसलिए बोला शायद थोड़ी मेहनत कर ले, तो वो घर गई, उसने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, फिर उसकी मदर का कॉल आया कि आप इसको सॉरी बोलो। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं अगर एक छोटी सी सॉरी बोल दूंगा तो ठीक है, बच्चे अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल, फिर मैंने उसको स्पीकर पे फोन करके सॉरी बोला, वो उसने अपने आप को बाथरूम से बाहर निकाला। तो मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे आजकल डांट सुनने के लिए तैयार है नहीं। सर ये तो छोटे बच्चों की कहानी है, जो कमाने लायक बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, ना ही उसकी कोई स्किल है और वो पढ़ाई में भी कमजोर है। मैं उससे सीधे सीधे बोल देता हूँ, भाई जैसे तेरी हालात हैं वैसे तो तू इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकता, तो उस पे वो भी नाराज हो जाते हैं, जबकि मैं तो सच्चाई ही बोल रहा हूँ, किसी को राई के पहाड़ पे नहीं चढ़ाना। तो ये हर एज के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, और क्योंकि इसमें ना एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं गलती है। हमारे इंडिया के बच्चों को कंपेयर किया जाएगा यूरोप के बच्चों के साथ, यूरोप में जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे जैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है वैसे इंडिया में नहीं कर सकते, अलग तरीका। अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को समझना है तो यहाँ के टीचर्स को समझो, टीचर्स आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। सही बात है सर। अगर आपको कोई एक दिन कोई और टीचर बनने का मौका मिले तो आप क्या, कौन से टीचर बनेंगे? नहीं ऐसे तो सर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं सर। वहाँ पे जब मैं 12th में था तो बुलंदशहर में एक अनिल कुमार गर्ग टीचर हैं, मैथ्स के टीचर सर, उनकी जो बुक्स हैं वो रामबाण हैं मैथ्स के लिए 12th में। इवन CBSE की, ICSE की जितनी भी बुक्स इंडिया में चलती थी या हैं अभी, उनका कोई भी लेवल नहीं है उनकी बुक्स के सामने। मैंने सारी कुछ देखी है, तो मैं एक दिन उनका रोल करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया सर। कोई मूवी कैरेक्टर जो आप, क्योंकि आप बहुत सारी मूवीज देखते हैं, हाँ। कोई भी एक मूवी कैरेक्टर या मूवी जो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करती है कि आपको देख के लगा यार ये तो मैं हूँ या तो ये तो मेरे जीवन की कहानी है। सर मेरी तो नहीं, लेकिन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी जो मेरे फादर की लाइफ को डिस्क्राइब करती है, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप टीचर ना होते तो आप क्या होते?
डीजे म्यूजिशियन कर रहे हो? हाँ, अच्छा, कंफर्म सर। अरे वाह, बिल्कुल। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर होता सर हनी सिंह की तरह। अरे वाह, अभी हनी सिंह साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला यार तुम ये जो इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड वगैरह बजाना सिखाओ, मैं कितने दिन में ट्रेन हो जाऊंगा। तो अगर मेरा कभी मन भी किया ये फील्ड छोड़ने का, तो मैं ऐसी जैसे सर आपने अभी सेटअप बनाया है, ऐसा अपना म्यूजिक का सेटअप बनाएंगे और अपन लोग वहीं पे म्यूजिक बनाएंगे। तो आपको इसका शौक है? बहुत ज्यादा। तो अपन फ्री टाइम पे करते हैं अभी कि नहीं? क्लास के बीच में 10 मिनट का भी गैप मिलेगा, स्पीकर ऑन और फुल साउंड पे सॉन्ग। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो क्लास में मैं भी लगाता हूँ आज। ठीक है सर। तो इसको एंड करते हैं 3 सवालों से कि आपका कोई लाइफ का ऐसा हिस्सा जिसको आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो कि यार ये समय अगर मैं अपनी लाइफ से निकाल दूं तो मेरी लाइफ और बेहतर हो जाए। सर जो बचपन में थी वो स्ट्रगल वाली कहानी वो तो बहुत जरूरी थी, अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ पे पहुंचते ही नहीं। दूसरा कि जब हम कानपुर में गए तो कानपुर से जब मैं छोड़ना चाहा क्योंकि हमारे कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर लीगल केसेस कर दिए, क्रिमिनल केसेस। किसने? जो हमारे पार्टनर थे। अच्छा। और झूठे आरोप, बेवजह के नोटिस भेजना, डिफेमेशन केस, बीच में बॉन्ड तोड़ के जा रहे, सब कुछ फेक। और इसके चक्कर में मेरे जीवन के 3 महीने खराब हुए, 3 मंथ प्रीसेस। उसकी वजह से मैं अपना मेंस का बैच बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट किया, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ मैं पढ़ाता हूँ वैसा नहीं हो पाया। वो 3 महीने मैं अगर थोड़ा स्मार्ट होता उस टाइम पे या मेरे कॉन्टेक्ट अच्छे होते तो वो बचाए जा सकते थे। तो एक यही फेज है, बाकी तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा सा ही रहा है भगवान की कृपा से, भगवान का मेरे ऊपर बहुत हाथ है। सर आज से 10 साल बाद आप अपने यूट्यूब को कहाँ देखते हैं? आज से 10 साल बाद मैं यूट्यूब को देखता हूँ कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। अच्छा। और मेरी जगह मुझसे बेहतर यंग एनर्जेटिक लड़के वो यूट्यूब को संभाले, पढ़ाएं और बच्चों को गाइड करें। हर किसी को मौका मिलना चाहिए ना सर। हम 4-5, मैं मैथ्स की अगर बात करूं एसएससी फील्ड में तो 4-5 बड़े एजुकेटर है टॉप के, केवल हम 4-5 क्यों रहें? और जो यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और मैं देता भी हूँ, मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि कोई मेरे पास आता है कि सर मुझे डाउट क्लास में लगा, तो मैं फोन करता हूँ उसको, मिल जाती है। तो मैं तो इस तरीके से नहीं देखता कि मुझे केवल ये टीचिंग ही करनी है, मैं गाइड जरूर करूंगा बच्चों को, और मैं चाहता हूँ कि ये जो यंग बच्चे हैं वो हमारे लेवल का पढ़ाएं टक्कर का, तो बात बने। और आपका एक म्यूजिक का चैनल आई गेस। म्यूजिक तो सर शुरू करना है। सर लास्ट में आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? यंगस्टर्स को मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि जो काम करो जीवन में वो पूरी शिद्दत के साथ करो, या तो करो उस काम को बहुत मन से या फिर बिल्कुल मत करो। और पढ़ाई की फील्ड में सर जो एजुकेशन वाली है, आप चाहे आईटी करें या नीट करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, यूपीएससी करें, या तो आप पूरी एनर्जेटिक एनर्जी के साथ करें, जितनी आपके शरीर के अंदर ताकत है, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जितना आप गाइडेंस ले सकते हो यूट्यूब से, पैड बेची से, टीचर से, जहां से जो माल मिलता है लपेट लो, या फिर बिल्कुल मत पढ़ो। पढ़ना इज नॉट ए गारंटी टू गेट सक्सेस, पढ़ने से कोई सक्सेस नहीं मिले पाली। और मैं अगर कहूं हमारे इंडिया में अनपढ़ लोग इज मोर सक्सेसफुल देन पढ़े लिखे लोग, और वो हैं, थे और रहेंगे, नंबर ज्यादा होंगे, नंबर ज्यादा होंगे जिन्होंने बड़ा काम किया है। तो ऐसा नहीं है, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि काम करो तो धड़ल्ले के साथ करो, टारगेट हमेशा बड़ा रखो कि भाई आज हम 10,000 कमा रहे हैं तो मुझे अगले महीने 1,00,000 करना है। आज अगर मेरे को 20,000 बच्चे देख रहे हैं तो अगले महीने जो है मुझे 50,000 बच्चे देखने चाहिए। तो टारगेट जो है वो हमेशा बड़ा रखो, लगातार मेहनत करते रहो, बीच में ब्रेक मत आने दो कि 4 दिन काम कर लिया, 2 दिन मस्ती कर ली, ये सब आपको नहीं करना। स्ट्रगल के फेज को एंजॉय करते हुए चलना है, सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि झोंपड़ी तो जो है वो एक दिन में तैयार हो जाती है, पर महल खड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक टॉक करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, पर फन टॉक से ज्यादा सर सीरियस टॉक्स हो गई है। बट नहीं सर, ये भी बहुत जरूरी है मुझे लगता है, हर वक्त हम लोग हंसी मजाक तो करते रहते हैं क्लासेस में, लेकिन आज मैं बहुत कुछ सीख के गया हूँ आपसे सर, तो थैंक यू सो मच सर। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखा सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपने तो सर मुझसे फिजिक्स का, मैथ का काफी कुछ सवाल पूछ लिया। हाँ बिल्कुल सर। मैं आपसे मैथ्स का सवाल पूछता हूँ, आप उसमें सर फिजिक्स लगा के सॉल्व करिए सर। ठीक है सर। सिगरेट है क्या सर? सपोज एक सिगरेट है सर, ठीक है, कितनी लंबी होती होगी? 5-6 सेंटीमीटर। हाँ, 6 सेंटीमीटर लंबी सिगरेट है, और सर अगर आप उसको जला के अगर उसको स्मोक करना शुरू करें, एग्जांपल के लिए, आप करते नहीं, शुद्ध विचार वाले आदमी है सर, तो उसको जलाने में सर 15 मिनट लग जाएंगे पूरी बर्न होने में, लेकिन अगर आप उसमें पफ लेके अगर उसको स्मोक करते हैं तो आपको 12 मिनट लगेंगे, और एक जो पफ है, एक जो आप कश लेते हो सर, वो 5 सेकंड का है। ठीक है। और पफ के टाइम पे सिगरेट 3 गुना तेजी से जलती है। ठीक है। तो आपने सर कितने पफ लिए? पफ कितने? ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है सर। पफ कितनी देर का है? 3 सेकंड? 5 सेकंड। 5 सेकंड, 5 सेकंड सर आप पफ लेते हो सिगरेट। अगर आप नॉर्मल बिना पफ लिए
कशे स्मोक करेंगे तो 15 मिनट। इस पे तो डिपेंड करेगा कि दो पफ के बीच का टाइम कितना है। ए नहीं, इस पे कैसे डिपेंड करेगा सर, क्योंकि तब भी तो सिगरेट जली रही होगी। आप सर फिजिक्स नहीं, फिजिक्स को साइड करके कल मैच के हिसाब से नहीं, बट फैक्ट तो यही है ना। हाँ बिल्कुल फैक्ट है, है ना, क्योंकि हम ये इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ तो 15 मिनट में सर विदाउट पफ और पफ आप लोगे तो 12 मिनट में बर्न होती है, और एक पफ 5 सेकंड का है, और पफ के टाइम पे सिगरेट थ्राइस स्पीड से बर्न होती है। तो आपने सर कितने पफ लिए? आप सर सोच रहे हैं इस सवाल को, और सर इस सवाल का एक्सपेरिमेंट भी करके बताएंगे अपने चैनल पे। करूंगा कैसे लगे? मुझे इन सर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। हाँ वो कि वो उन सर के साथ आप करना, और इस सवाल मैं सर के लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, अपनी फिजिक्स के साथ इसको अगले पॉडकास्ट में मैं इसका आंसर सबसे पहले दूंगा। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम सर, सेम, थैंक यू।